नमस्कार। डीआरडीओ के ऑपरेशन शक्ति के सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस देश बन गया है। इसके बाद हमने कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भारत के अंदर देखी। घटना यह थी कि इस पूरी ऑपरेशन का ऑपरेशन शक्ति का विरोध पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान ने विरोध नहीं किया। इसके कारण ही शायद हमारे देश के कांग्रेस पार्टी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के फार्मूला E=MC² को बेचते हुए प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति के साथ इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय नेहरू जी को देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश की ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब हमारे देश में कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसका श्रेय सेनाओं को जाता है, जब हमारे देश में सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसका श्रेय एयरफोर्स को जाता है, लेकिन जब हमारे देश में कोई एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाता है तो उसका श्रेय नेहरू जी को इसलिए चला जाता है क्योंकि नेहरू जी ने ही सीमेंट और गारा लेकर इसरो की बिल्डिंग बनाई थी, डीआरडीओ की बिल्डिंग बनाई थी। अगर कांग्रेस पार्टी का लॉजिक देखा जाए तो जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय मोदी को नहीं जाता, सेनाओं को जाता है, उसी तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ में जो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है उसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाना चाहिए। ये कांग्रेस के लॉजिक के हिसाब से और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जो आज स्पीच दिया उसमें नरेंद्र मोदी ने कहीं भी नहीं कहा कि ये जो फैसला है, जो ये उपलब्धि है, ये मोदी सरकार के कैबिनेट की देन है, ऐसा नहीं कहा। आपने भी मोदी का स्पीच, मोदी का संबोधन सुना ही होगा, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत बिना किसी एक पल गवाए इसका पूरा श्रेय नेहरू जी और इंदिरा जी को दे दिया। नेहरू जी को श्रेय देने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि नेहरू जी समय समय पर बीड़ी पीने इसरो ही जाया करते थे, तो जाहिर सी बात है इसका श्रेय नेहरू को जाना ही चाहिए। और तो और आगे आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि प्राइम टाइम में बैठे हुए तथा कथित पाकिस्तान ऑक्युपाइड पत्रकारों के द्वारा ये कहा जाएगा कि अगर भारत 300 किलोमीटर ऊपर स्थित सैटेलाइट को मार गिरा सकता है, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी भारत के पास है, तो भारत के पास उसका वीडियो बनाने की भी टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, तो उसको उसका वीडियो कहाँ है, और जो कचरा ऊपर से गिरा वो नीचे कहाँ गिरा, आकाश में कहीं धुआं तो दिखा ही नहीं। इस तरीके की बातें कह करके इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है, या प्राइम टाइम में बैठे माहिर पत्रकार ये कह सकते हैं कि जितने पैसे में इस एंटी सैटेलाइट मिशन को अंजाम दिया गया उतने पैसे में तो तमाम गरीबों को या बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। इस तरीके की बातें करके आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सुनकर आपको अफसोस होगा, तो आप घर पे बैठकर अफसोस कीजिए क्योंकि आप यही कर भी सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये होतियापा तो ठीक ही था, आगे दो कदम बढ़कर ममता बनर्जी कहती हैं कि ये चुनाव के समय में ऐसे प्रोपेगेंडे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये ऑपरेशन किया है इसलिए वैज्ञानिकों को ही इसकी घोषणा करनी चाहिए। अगर आप ममता बनर्जी के इस लॉजिक को देखें तो सड़क तो इंजीनियर बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, तो सड़क बनाने की घोषणा भी बनाने के बाद उसका फीता भी मजदूरों को ही काटना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को कई बार आपने फीता काटते जरूर देखा होगा। उसी तरीके से गंगा की साफ सफाई तो सफाई कर्मी करते हैं, तो उसकी पूरी घोषणाएं सफाई कर्मी को करनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो उसके पूरे प्रयोग की घोषणाएं वैज्ञानिकों को करनी चाहिए। सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं, अगर ममता बनर्जी के लॉजिक को देखा जाए तो सेनाओं को ही पूरी घोषणाएं करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो ममता बनर्जी के हिसाब से सरकारें होती ही किस लिए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। आप ही कमेंट करके बताइए कि आखिर सरकार का काम क्या होता है। अगर हमारे देश ने कोई उपलब्धि हासिल की तो उसको प्रधानमंत्री नहीं कहेगा तो कौन कहेगा, ये सवाल मेरा आपसे भी है। आगे आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित इसलिए किया क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। ये कोई 20 रुपए की दारू की बोतल में रखा हुआ रॉकेट को नहीं उड़ाया गया, यहाँ पर भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है दुनिया के अंदर। और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि अगर 60 साल पहले के नेहरू जी को 2019 में हुए किसी साइंटिफिक रिसर्च का, किसी टेक्नोलॉजी का श्रेय अगर नेहरू को दिया जा सकता है, तो आज के समय में जो गरीबी है, जो उन्माद भारत के अंदर है, इसका श्रेय भी नेहरू परिवार को ही दिया जाएगा। नमस्कार।